69 साल बाद ग्रहों का विचित्र संयोग, जब 9 में से 6 ग्रह आएंगे एक साथ, तब एक साथ आएंगे कई महासंकट। नमस्कार, धर्मज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। फरवरी माह ज्योतिषीय दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि मकर में षडग्रही योग का निर्माण, सूर्य शुक्र मंगल की बदलती चाल और मकर में चंद्रमा का प्रवेश एक और जहां कई दुर्लभ संयोग बना रहा है, तो वहीं देश दुनिया में राजनीतिक बदलाव ला रहा है। इसके साथ ही साथ ग्रहों की बदलती चाल भूकंप की आहट भी दे रही है। जी हाँ, ऐसा कहना है पाल बालाजी ज्योतिष संस्था के निदेशक ज्योतिषाचार्य अनीश व्यास जी का। व्यास जी की माने तो भाई 59 साल के बाद ग्रहों का एक विचित्र संयोग अप्रत्याशित और दूरगामी प्रभाव लेकर आ रहा है। उन्होंने बताया कि भाई मकर राशि में पहले से ही सूर्य बुध गुरु शुक्र शनि ग्रह विराजमान है और 10 फरवरी की रात जब चंद्रमा का प्रवेश मकर राशि में होगा तो एक ऐसा महासंयोग बनेगा जो दुर्लभ और अद्भुत होगा। इस महासंयोग पर दुनिया भर की नजर है और इसकी वजह यह है कि मकर राशि में 9 ग्रहों में से 6 ग्रह आकर मिलेंगे। यानी कि ज्योतिष शास्त्र के कई ग्रंथों के अनुसार देखिए, जब एक राशि में 5 या उससे अधिक ग्रह राहु केतु को छोड़कर यदि आकर युति करें, तब देश दुनिया में बड़े भू राजनीतिक बदलाव आते हैं और इस बदलाव का असर कई दशकों तक रहता है। अनीश व्यास जी बताते हैं कि भाई नारद मुनि रचित मयूर चित्रम नाम के ग्रंथ में सदियों पहले कहा गया कि भाई जब भी एक राशि में 5 से अधिक ग्रह एकत्रित होते हैं, विश्व में कई तरह के परिवर्तन आरंभ हो जाते हैं। सूर्य गुरु शनि मंगल बुध और शुक्र आदि ग्रह जब एक राशि में आ जाएं तो युद्ध या बड़े जन आंदोलन जैसी आपात स्थितियां भी पैदा होती है। देखिए, इतिहास में ग्रहों का संयोग और उसके प्रभाव को लेकर आचार्य अनीश व्यास बताते हैं 59 साल पहले यानी कि 4 फरवरी 1962 में बने 7 ग्रही योग के कारण भारत ही नहीं विश्व के कई बड़े देशों में उथल पुथल रही। इसका परिणाम यह हुआ कि 2 महाशक्तियां अमेरिका और तत्कालीन सोवियत रूस क्यूबा मिसाइल संकट में उलझ गए और युद्ध के भय से विश्व राजनीति 2 खेमों में बढ़ गई। इससे दशकों तक शीत युद्ध की स्थिति बनी रही। वहीं ग्रहों के युति के चलते भारत को भी गंभीर अंजाम भुगतने पड़े। पड़ोसी मुल्क चीन के साथ 1962 वाला युद्ध और फिर उसके बाद चीन हमेशा की तरह भारत का अस्थायी दुश्मन बन गया। अब अगर वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो इस बार बनने वाले 6 ग्रही योग का प्रभाव विश्व समेत देखिए भारत में भी भयंकर रूप से देखने को मिलेगा। 6 ग्रह संयोग को लेकर भविष्यवक्ता अनीश व्यास ने ये भविष्यवाणी की है कि भाई हर देश में जनाक्रोश जन आंदोलन बढ़ेंगे। जब तक शनि शुक्र की युति रहेगी और शनि मकर राशि में यानी कि अप्रैल 2022 तक रहेंगे, जनता हर देश में अपनी अपनी सरकारों से टकराती रहेगी। वहीं भारत समेत अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, हॉलैंड, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान जैसे देशों में जनता सड़कों पर निकलेगी। आगामी चुनाव में हिंसा होगी, सांप्रदायिक दंगे, धार्मिक उन्माद, प्राकृतिक आपदाएं, बड़े भूकंप, समुद्री तूफान, समुद्री लड़ाई, अपनी मांगे मनवाने के लिए प्लेन हाईजैकिंग, राजनीतिक उठापटक, स्कैंडल आदि देखिए एक से बढ़कर एक आने, मतलब ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं कि संभावनाएं उन्होंने जताई हैं। और चूंकि 6 ग्रहों का अपना अपना स्वभाव है और इसी के अनुसार वे अपने अपने प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में दिखाते रहेंगे। और इतना नहीं, प्राकृतिक आपदा के योग की ओर भी उन्होंने इशारा करते हुए अनीश व्यास जी ने बताया कि भाई मकर राशि को जल राशि तथा पृथ्वी तत्व से प्रभावित माना जाता है। मकर राशि में शनि गुरु का होना तथा उसके केंद्र में मेष राशि में भूमि पुत्र यानी कि मंगल की स्थिति भूकंप का योग बनाती है। इस योग के प्रभाव से 15 दिनों के भीतर पाकिस्तान और उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। तो देखिए 12 फरवरी की अमावस्या के बाद असामान्य वर्षा और ओलावृष्टि का योग भी बन रहा है। उत्तर भारत में ओलावृष्टि से कुछ स्थानों पर फसलों को नुकसान भी पहुंच सकता है और पहाड़ों पर बर्फ पड़ने से सर्दी का मौसम लंबा खींच सकता है। तो इस बार के 6 ग्रह संयोग को लेकर ज्योतिषाचार्य देखिए अनीश व्यास जी ने जो जो भविष्यवाणी की है, क्या वो हकीकत का रूप ले पाती है, देखिए ये तो वक्त ही बताएगा।